यमुना का कैरेक्टर जो है वो पहले मुझे ऑफर हुआ, मगर मैंने कहा नहीं, आगे ना बोलिए, वो फारिग है, ये फारिग है। एंड अदनान भाई ने जो अपना कैरेक्टर लिया था, नाइस। टेलीविजन की तरफ इसलिए रुख किया क्योंकि मुझे हुमायूं सईद साहब ने बड़े प्यार से कहा कि ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारे बगैर ये काम नहीं करूंगा। झूठ बोल रहा है। सो मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता था, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये सपोर्टिंग कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग है, मैंने ना कर दी। फिर खलील साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि अगर ये तू नहीं करेगा तो मैं स्क्रिप्ट फाड़ दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड। और फिर भाभी का फोन आया तो उन्होंने मुझे एक कहा कि अमित भाई अगर आप मेरे भाई, मैंने कहा बस आगे ना बोलिए, मैंने कर लिया। जो दिलबर का कैरेक्टर है, he's like this छोटा भाई, मुन्ना का छोटा भाई है। He actually has a lot of depth इस कैरेक्टर की, he has a lot of baggage जो वो अपने साथ कैरी करता है और मुन्ना को जिस तरह वाइडलाइज करता है कि वो मुन्ना के लिए कुछ भी कर लेगा। और जैसे जैसे आप ड्रामा देखेंगे आपको पता लगेगा कि वो किस हद तक जाएगा मुन्ना के लिए। वो फारिग है। देखो कैमरा इधर करो, ये फारिग। मैं बता दूं जी, यमुना का कैरेक्टर। सो यमुना का कैरेक्टर जो है वो पहले मुझे ऑफर हुआ, मगर मैंने कहा नहीं, आई एम टू क्यूट फॉर दैट। फिर मैंने कहा नहीं, यू नो व्हाट, यमुना विल बी परफेक्ट फॉर दैट। सर ने कहा एम वन नहीं, मैंने कहा ट्रस्ट मी, बहुत क्यूट है, बड़ी अच्छी है। तो फिर हमने यमुना की ऑडिशन, वो फ्लंक होगी, मगर फिर हमने थोड़ी सी सिफारिश ली और फिर हमने उसको कैरेक्टर देख लिया, वो बैठी हुई है। तो हमने कहा कि यमुना प्लीज, वी नो यू हैव द पोटेंशियल टू बी अ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। उसने कहा है रियली, डू यू थिंक सो? मैंने कहा यस। सो मगर नो, ऑल जोक्स अपार्ट, शी इज फिनोमिनल इन दिस प्ले। एक्चुअली जो अगर आप देखेंगे तो जेंटलमैन इज ऑल अबाउट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, हाउ शी इन्फ्लुएंसेस मुन्ना, वो किस तरह उसको मोटिवेट करती है, किस तरह वो चेंज लेके आती है स्क्रिप्ट के अंदर और सारे कैरेक्टर्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेके जाती है। एंड बीच में दो तीन बड़े मजेदार टर्निंग पॉइंट्स हैं उसके कैरेक्टर का, आर्क जो है इट्स ट्रूली फैंटास्टिक एंड शी इज डन अ ग्रेट जॉब। एंड मैंने जितनी उसको टीचिंग क्लासेस दी थी वो नजर आएगा। तो ये जब आया एंड ऑब्वियसली बात है हुमायूं ने वाकई मुझे कहा कि तू ये कर रहा है, मैंने कहा ओके फाइन। सो आई डिडंट आस्क क्या है, कब है, कहाँ है, और आई जस्ट सेड यस व्हेन आई रीड द स्क्रिप्ट। आई रीड ऑल थ्री एपिसोड्स। ये वो तौलिया वाला सीन था, आई थिंक सबसे जो हैवी सीन था वो, अब मुझे पता नहीं कब जाएगा, मगर वो जनाजे वाला सीन था, बहुत ही हैवी सीन। और वो आई एम श्योर वो हुमायूं भाई के लिए बड़ा ठीक ठाक है ये सीन था, बिकॉज जब आप मतलब कर रहे होते हैं मगर जब आप अल्लाह माफ किसी को देखते हो उस तरह, तो एक बड़ा हैवी सीन था, मतलब इमोशनली वो काफ़ी हैवी सीन था। और एक यमुना के साथ था कहते किचन के अंदर सीन, वो भी एक बड़ा मजेदार सीन था। आई थिंक दैट वॉज अ वेरी पर्सनल सीन जो दोनों कैरेक्टर्स का था, वहाँ उन दोनों की वल्नरेबिलिटी नजर आ रही। और एक मेरा जो सबसे फेवरेट सीन था वो था वो अस्पताल का, जिसके अंदर वो गाना गाता है, एंड आई रियली एंजॉयड दैट सीन, दैट वाज द मोस्ट क्यूटेस्ट सीन। सारे बैठे, देयर वाज अ फ्यू एक्शन सीन्स जिसमें बड़ा मजा आया था, जिसमें एक जीप वाला सीन था जिसमें हुमायूं साहब को कहा गया था कि यहाँ आके ब्रेक लगा दीजिएगा, दो दफा उन्होंने कहा हाँ ब्रेक लगा दूंगा, जो टेक हुआ खलील रहमान कमर साहब ने लिखी है और उनकी तारीफ बस यही आप कर सकते हैं कि उनका कलम जो है वो सोना ही लिखता है। और बाकी जब आप ये स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट देखेंगे, जिस तरह हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उनकी स्क्रिप्ट के साथ जस्टिफाई कर सके, बट क्या बात है खलील साहब।
आई थिंक अगर जिस चीज पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमें डाइल्यूट नहीं करना चाहिए अपने कॉन्टेंट को, बिकॉज कॉन्टेंट की जंग हर तरफ है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट. उस तरह फिर ये हो रहा है कि एक चीज हिट होती है तो उसी तरह की 10 चीजें आ रही होती हैं, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनने शुरू हो जाते हैं. एक चीज अच्छी आ गई उसको रहने दें, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए. आज तो देखे रहने जो नींद लिखना सी कड़ी है. मेरे दोने जेंटलमैन, मेरा जो सबसे ज्यादा एक तो जुल्मी, आई थिंक सबसे जो मजेदार मेथड एक्टिंग है वो जुल्मी की है इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह वो चाय बना रहे हैं ना वो कमाल. और एक मौसम का कैरेक्टर है, और एक सीन है जिसमें मौसम की अपने फैंटी लगाते हैं, उसके अंदर मौसम ने बड़े मजेदार मजेदार एक्सप्रेशन दिए हैं. I actually think कि मौसम का कैरेक्टर जो है वो कुछ सीन्स में बड़ा ट्रूली आपको डराएगा, बिकॉज उसकी एक बड़ी हिडन लेयर होती है, और वो जिस तरह ऑपरेट कर रहा होता है जिन्हें तो मीसने होते हैं, तो मौसम इज अ वेरी मीसना. प्लस उसकी जो घड़ी है वो आपको चांद से भी नजर आती है. रहमती कैरेक्टर, ओके द रहमती कैरेक्टर, जब जिस दिन अदनान भाई आए एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई क्या गेटअप होगा और ये सब कुछ, बिकॉज ही इज द मेन या ही इज द मेन विलेन, बट इट वाज वो एक नहीं होता एक ट्रीट सी. मुझे याद है वो सीन इनका था, पहला सीन था कि जिसमें वो मिलने आता है मुन्ना के घर, तो दैट वाज द सीन वी वर शूटिंग, एंड जस्ट टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर इट्स अ ट्रीट. Because हमारे टाइम के the one of the biggest names of television, and just to see them perform, and just to see them on screen, and Adnan भाई ने जो अपना गेटअप किया था कमाल का था. मैंने कहा यार ये कहाँ से आपने निकाला, तो उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसका भाई ऐसा लगता था, उसका उन्होंने गेटअप कॉपी किया. नहीं मैं झूठ बोल Casting couch. जी मुझे बड़ा ये मैनिपुलेट करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं इमोशनल. हालांकि बहुत से अदाकार होते हैं वो कहते हैं नहीं 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 मैं जरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ही फ्रॉम जेपी ने वन से मैं बात करता हूँ, ही विल गिव यू दैट स्पेस कि मेक द सीन. सो आई थिंक दिस द बेस्ट थिंग अबाउट दैट ही जेन्युइनली जेन्युइनली वांट्स his team or his co-actor or his co-star or co jo bhi hai sir to come and excel. That's why Allah ne inko itna kuch diya. Yes, to agar aap Zaid ko aur Humayun ko compare kare to of course gentleman is Zaid, because jis tarah wo baat karte hain, jis tarah wo swag leke aate hain, jis tarah wo prepare hone ka time dete hain, the way he is so in tune with Aisam, it is phenomenal, it is breathtaking. Aur sabse zyada time taiyar hone pe bhi zyada lagta hai. Mere khayal hum log subah 9 baje ka call time hota tha, unko hum pichli raat 3 baje bulate the. Zaid ki main aapko batata hu ji, mere unke sath 2-3 scenes the, mera itna kaam karne ka mauka nahi mila, but we had a blast. No mazak bahut hum log ne kiya, aur hum log us mazak ke baad ekdum kehte the chahiye to usse serious kaam kiya. But he is a great actor, and jis tarah wo unko character diya hai, aur bada jo taunting character hai iske andar, uska bade mazedar kisam ke twist and turns hai, so you will love that character. Aur jis tarah wo Munna ko uff wo jo karta hai na, wo kya baat. It was because obviously बात है इसके अंदर आपको कॉमेडी की टाइमिंग नहीं, बल्कि मैं जब शुरू शुरू में मुझे याद है हुमायूं भाई ने मुझे एक दो चीजें कही नहीं कहीं, बिकॉज यू नो यू आर नॉट इन टू इट, यू नॉट यूज टू दैट, तो मुझे एक दो दिन लगे थे अपनी टोन डिस्कवर करने में, एक्सप्रेशन को कम करने में. हुमायूं वॉज वेरी क्लियर कि देख कोई लाउड एक्सप्रेशन नहीं करना, इसका अंडर टोन करना है, इसको इस तरह करना है. सो आई थिंक आपका काम बड़ा आसान हो जाता है अगर आपकी आपके को एक्टर्स जो हैं वो आपको बड़ा हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं. एंड हुमायूं इज ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू ड्रामा टाइमिंग, सो ही हेल्प मी अ लॉट टू डिस्कवर दैट कैरेक्टर. एंड बस इतनी ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं. सो या
समोसे मना करते हैं, ये चाय जो कल की आई हुई है उसी को मैं रीहीट करके दोबारा पी। ऑल जोक्स अपार्ट, द रीजन, वन रीजन व्हाई आई सेड यस इज वर्क विद माय, दैट्स माय नंबर वन रीजन। मैंने हाइसम के बारे में बड़ा सुना था और जो सुना था बहुत कम सुना था, और जो जब मैंने काम किया तो मैंने कहा नहीं ये बाकी मैंने कम सुना था, ये तो बहुत कुछ ज्यादा है। सो हाइसम के नाम के अंदर सम जो आता है ना वो सम नहीं होना चाहिए, हाई मैनी होना चाहिए, हाई सम मैनी। बट ही कैन बी एक्सट्रीमली डिमांडिंग एट टाइम्स, बट आई थिंक देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस आल्सो। Sometimes आप because I do lots of theater, एक आपको आदत होती है जल्दी जल्दी रिव्यूज करने की, तो हाइसम ने फिर एक दो जगहों पर मुझे बड़ा अच्छा डायरेक्ट भी किया उसने कभी, बट जब वो मैंने देखा और नज़र आता है तो ऑब्वियस बात एक डायरेक्टर की आदत होती है और आपको उसके हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ती है। सो इट वॉज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज हिज अटेंशन टू डिटेल इज वेरी वेरी शार्प। Apart from that, he loves food. वो अक्सर खाना खाने के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे, डायरेक्शन पर काम कर रहे थे, बट ट्रूली ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट ड्रामा डायरेक्टर्स दैट वी हैव। उनका काम बोलता है और आप जब जेंटलमैन में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह उन्होंने एक पूरा पैलेट आपके सामने लेके आए हैं ऑफ दिस वंडरफुल कैरेक्टर्स। Yes, why not? There are so many things. I want to do my own film also. I want to write a small mini series also. So there are a lot of things that I want to do. Preferably, tab mai sab mujhe date denge. Dekh. Well, keh lein ke chip of the old block. Of course, they have learned from the best and they are doing some amazing work. Sana is a sweetheart. जिस तरह शी मेक श्योर के मेरे जो एक्टर्स हैं वो कंफर्टेबल, हालांकि हुमायूं मेक श्योर करता है कि वो अनकंफर्टेबल रहे स्पेशली मैं, मगर शी रियली लुक्स आफ्टर यू एंड भाभी इज भाभी ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे डाले और भेड़िया भिजवाई, आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज इन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज़ भिजवाई है और वो है बिल। Four reasons why you not again and then part and Khalilur Rahman and Haisam Sado. Oh, हाँ इसमें तो सुहाई भी है। बड़े लोग हैं भाईजान, बड़े आप पर रीज़न। आप अगर आप देखिएगा, बड़ा आप enjoy करेंगे। I think देखिए drama ज़्यादा detailed है, it's more elaborated film के अंदर आपको 2-2.5 घंटे के अंदर खत्म करना होता है सब कुछ, जो film की timing बहुत अलग होती है। But drama you have to really take time, close up के अंदर ज़्यादा काम होता है, आपके dialogues pauses और ये वो, तो yeah उसकी tempo अलग है and film की tempo is completely different. So yeah, I enjoy theater more, I enjoy film. मगर जब भी इस तरह का कोई drama आता है तो it's a huge opportunity for you to learn from such big names of the industry.